नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आजकल आप वाकिफ होंगे कि G20 की बात चल रही है। G20 समिट इंडिया में होने वाली है। ये 18वीं जी समिट होगी जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है। मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, उसी के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इसकी स्थापना हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और अब क्या क्या हो रहा है और अभी तक इसमें क्या क्या हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी जिसने पूरे साउथ एशिया को अपने ग्रिप में ले लिया था और ये क्राइसिस शुरू हुई थी थाईलैंड से। इस क्राइसिस का नाम था टॉम कुंग क्राइसिस। लेकिन इस क्राइसिस को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया गया, इसको इस पर बहुत जल्दी ही काबू कर लिया गया। लेकिन जितनी भी देर ये क्राइसिस रही उतनी देर काफी देशों को इसने परेशान किया और काफी देश इसकी चपेट में आए और इनमें सारे देश जो थे वो साउथ एशिया के ही देश थे और उसके आसपास के क्षेत्रों के देश थे। इस क्राइसिस ने थाईलैंड को सबसे ज्यादा परेशान किया। थाईलैंड की पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई क्योंकि थाईलैंड के ऊपर फॉरेन डेट बहुत बढ़ गया था। थाईलैंड को यहां तक करना पड़ा कि उसको अपनी करेंसी बात को फ्लोट करना पड़ा। इस क्राइसिस से साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हालांकि और भी साउथ एशिया में देश थे जो इस क्राइसिस से बच नहीं पाए, उसमें जापान और मलेशिया और ब्रुनेई और लाओस और भी देश आसपास के थे। सब में कुछ न कुछ असर इस क्राइसिस का पड़ा था। अब चूंकि क्राइसिस को बहुत जल्दी संभाल लिया गया और उसके संभालने में चाइना का बड़ा योगदान था। चाइना ने $4 बिलियन इस इकोनॉमी में इंजेक्ट किए जिससे कि इन देशों की इकोनॉमी को संभाला जा पाया। इसके बाद IMF ने भी $40 बिलियन इकोनॉमी में इंजेक्ट किया जिससे कि इन इकोनॉमीज को संभाला गया। अब इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए, इससे संभलने के लिए और भविष्य में इस तरह का और कोई खतरा ना हो अपने मानव जाति के ऊपर, तो यह तय किया गया कि 1999 में कुछ देशों का एक समूह बनाया जाए जो कि इस पर विस्तृत चर्चा करें और इसके खतरों से आगाह रहें और आगे आने वाली नस्लों को इससे बचाए रहें। तो इस समूह को नाम दिया गया G20। अब G20 समूह जो था उसमें 19 देश थे और एक था यूरोपियन यूनियन जिसमें खुद 27 देश यूरोप के शामिल हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंट फोरम है जिसमें 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन जिसमें स्वयं के 27 देश हैं सारे यूरोप के। और बता दें कि इससे पहले इसमें 28 देश हुआ करते थे, यूके भी इसी में था, इसका पार्ट था और बाद में यूके ने अपने स्वार्थों को बचाने के लिए अपने निजी कारणों से एक ब्रेक्सिट वाला जो प्रकरण याद होगा आपको, यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। अब जो G20 समूह का गठन किया गया इसमें वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज और वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज दोनों शामिल थी। इसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज जैसे US है, चाइना है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये भी इसमें शामिल हुई। इंडिया भी बड़ी इकोनॉमी है, वो भी इसमें शामिल हुई। इन देशों का जो समूह है वो इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर की 80% GWP ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट इसमें सम्मिलित है। दुनिया भर का 60% जो वर्ल्ड एरिया है वो इसमें सम्मिलित है। मतलब इन देशों का जो एरिया मिलाया जाए तो दुनिया के 60% एरिया के बराबर होगा। इसी तरह से इसमें 2/3 जनसंख्या है, द वर्ल्ड्स 2/3 पॉपुलेशन इन देशों में शामिल है। वर्ल्ड का 75% जो ट्रेड है वो भी इसमें शामिल है। ये सारे देश मिलकर वर्ल्ड का 75% ट्रेड करते हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा ये ग्रुप है, कितना इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है। इन देशों में जो पर कैपिटा इनकम है उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। यूरोप के 27 देश यूरोपियन यूनियन के थ्रू इसमें शामिल है। वो 27 देशों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू इसमें होता है। उसी में एक देश है लक्ज़मबर्ग। लक्ज़मबर्ग की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $1,30,000 है और US की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $80,000 है। और वहीं इंडिया को देखा जाए या इंडोनेशिया को देखा जाए, इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम। इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2,600, इंडोनेशिया की पर कैपिटा इनकम है अराउंड $6,000। तो इस तरह की मिक्स्ड इकोनॉमीज ये G20 समूह में शामिल है। दोस्तों, ये जो 1999 में जो G20 समूह बना इसका जो बेसिस था वो फाइनेंशियल बेसिस था। मतलब जितने देश आपस में मिलेंगे वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स के थ्रू मिलेंगे या फिर सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनके थ्रू मिलेंगे और उन्हीं की मीटिंग होगी और सारा कुछ केंद्रित रहेगा फाइनेंशियल इश्यूज पे, फाइनेंशियल मुद्दों पे ही
सब कुछ केंद्रित रहेगा। तो ये 1999 में G20 समूह बनने के बाद इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंगें लगातार चलती रही। हर साल एक बार इन देशों का मिलना होता था, जिसमें इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो इनके इकोनॉमिक कंसल्टेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो सब इसकी मीटिंग क्या करते थे और दुनिया की इकोनॉमी को कहां ले जाएं, किस दिशा में ले जाएं, उसके बारे में डिस्कस करते थे। दोस्तों, ये G20 की मीटिंग चलती रही, तब तक क्या हुआ कि 2007 में, जैसे 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, वैसे 2007 में एक वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई। मतलब पूरे ग्लोब को फाइनेंशियल क्राइसिस ने जकड़ लिया और इट वॉज द मोस्ट सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस सिंस द 1929 क्राइसिस, जब उसको कहा जाता था कि ये ग्रेट रिसेशन है। अब इस क्राइसिस ने क्या किया कि पूरी चिंगारी लगा दी और यूरोप की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। यूरोप की अर्थव्यवस्था बिल्कुल रिसेप्शन में चली गई। और मैं, जैसा कि मैं कहता हूं, आप जानते ही होंगे कि सारी इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड होती हैं। एक देश की इकोनॉमी अगर गड़बड़ाएगी तो दूसरे देश की इकोनॉमी पे उसका फर्क जरूर पड़ेगा। एक देश की इकोनॉमी अच्छी होगी तो जिनका उनसे डीलिंग होती है, जिनसे उनकी इकोनॉमी लिंक्ड है, वो देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यूरोप की फाइनेंशियल क्राइसिस ने इतना ज्यादा परेशान किया कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है यूएस तक और बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी फैल गई। हालात ये हो गए कि ग्रीस में उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। ग्रीस के बड़े बड़े बैंक्स जो है वो डेट के कारण बिल्कुल कंगाल हो गए। यही हाल रहा आइसलैंड का। आइसलैंड के 3 बड़े बैंक्स बिल्कुल बर्बाद हो गए, इतना डेट में चले गए कि आइसलैंड को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यूएस भी इसके असर से अछूता नहीं रहा। आईएमएफ के आंकड़े के अनुसार यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने, यानी यूरोप में जो सारे देश हैं यूरोपियन यूनियन के अलावा, वो भी इसकी चपेट में बहुत बुरी तरह से आए और लगभग $1 ट्रिलियन उन्होंने गंवा दिया। अब $1 ट्रिलियन अगर हम अपने आज के हिसाब से इंडिया की वैल्यू में देखें, इंडिया के रुपए की वैल्यू में देखें, तो लगभग 82-83 लाख करोड़ रुपए होता है। दोस्तों, इतना नुकसान उस समय की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में खाली यूएस और यूरोपियन बैंक्स का हुआ था। अब क्या हुआ? हुआ यह कि 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जब तक उससे पार पा पाते हैं, जब तक उससे हम उभर पाते हैं, तब तक 2007 में यह ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई। तो यह तय किया गया कि इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस, और सारे देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड है, तो यह तय किया गया कि अब जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी G20 की और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग होती थी G20 की, उसको हम लोग अपग्रेड करके उसको हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग में तब्दील कर दें। उससे फायदा यह होगा कि एक तो डिसीजन लेने में आसानी होगी, उनके विचार अलग होंगे, उनकी सोच अलग होगी, और ये जो डिसीजन लेने में टाइम लगता है उससे हमको बचत होगी, क्योंकि सारे हेड्स ऑफ द स्टेट एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, वहीं पे बात हुई, वहीं पे निर्णय हुआ, एक अपना एजेंडा तय हुआ और वहां पे उस समिट का डिक्लेरेशन हो गया कि हाँ, हमने अब की बार इस इशू को रिजॉल्व किया है, ये हमारा रेजोल्यूशन है, इस पे काम करेंगे। अब जब ये फैसला हो गया कि G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स को हटाकर इस मीटिंग को, इसका लेवल जो है बढ़ाया जाएगा, अब हेड्स ऑफ द स्टेट इसमें आएंगे, तो ये ऐलान हुआ कि पहली मीटिंग जो है वो वॉशिंगटन DC में US में रखी जाए। तो दोस्तों, G20 की जो पहली समिट हुई थी वो 2008 में वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो अब जब G20 समिट को एलिवेट कर दिया गया हेड्स ऑफ द स्टेट्स के लेवल पे, तो उसमें एक समस्या थी, क्योंकि शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत में थोड़ी समस्याएं होती हैं। G20 का अपना कोई ऑफिस नहीं था, जब अपना ऑफिस नहीं था तो अपना कोई सेक्रेटेरिएट भी नहीं था। तो होता यह था कि जिस भी देश में समिट होनी थी वहीं पे इसका ऑफिस होता था, वहीं के ऑफिसर्स इसके समिट जो भी फैसला होता था या फैसला लिया जाना था उसके लिए वो लोग काम करते थे। और सुविधा के लिए क्या किया गया कि जो 19 देश हैं G20 के प्लस एक यूरोपियन यूनियन, तो जो वो 19 देश थे उनको 5 ग्रुप में बांटा गया और एक ग्रुप में 4 कंट्रीज को रखा गया। जब ये ग्रुप बन रहे थे, इन कंट्रीज को ग्रुप में रखा जा रहा था, तो ये ध्यान दिया गया, इस बात का ख्याल रखा गया कि उन कंट्रीज को जो एक ही क्षेत्र में रहती हैं, एक ही क्षेत्र में पड़ती हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाए। हालांकि सारे ग्रुप में ऐसा फॉलो नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश यही की गई जिस कंट्री का क्षेत्र एक है, इनका रीजन एक है, उनको एक ग्रुप में रखा जाए। और जो प्रेसिडेंसी है वो ग्रुप के हिसाब से रोटेट होगी, मतलब एक बार प्रेसिडेंसी ग्रुप 1 को मिलेगी, अगली बार ग्रुप 2 को मिलेगी,
अगली बार ग्रुप थ्री के किसी देश को मिलेगी, अगली बार ग्रुप फोर के किसी देश को मिलेगी, ऐसे प्रेसिडेंसी का जो रोटेशन है वो डिसाइड हुआ। इसमें खास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन को किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया। इसमें यह भी तय किया गया कि हर ग्रुप से एक देश को प्रेसिडेंसी मिलेगी और एक साल के प्रेसिडेंसी मिलेगी, और ये प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेटिंग बेसिस पे होगी। तो इसी के तहत जो 17वीं समिट हुई थी, 17वीं समिट बाली में इंडोनेशिया में, वहां पे प्रेसिडेंसी ट्रांसफर हुई इंडिया को, और ये प्रेसिडेंसी वहां के प्रेसिडेंट ने हैंडओवर की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, वहां के प्रेसिडेंट जोको विडोडो और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ये प्रेसिडेंसी वहां पे सौंपी गई। इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिली है वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक मिली है। अब जो है इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी में G20 समिट का एजेंडा आगे बढ़ाएगा, आगे ले जाएगा। अब इंडिया का काम है कि अपना थीम डेवलप करें, अपने एजेंडे को पुश करें, अब बाकी देशों से कंसल्ट करें, G20 के जो बाकी देश हैं उनसे भी कंसल्ट करें, और अपने G20 का जो मूवमेंट है उसको आगे ले जाए। सुविधा से चलता रहे ये प्रेसिडेंसी का काम, इसके लिए इसको एक ट्रोइका सपोर्ट करता है। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका तीन देशों का ग्रुप होता है। इसमें तीन देश वो होते हैं, एक तो देश वो हो गया जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जैसे इंडिया, और इंडिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? जो पास्ट प्रेसिडेंट था जैसे इंडोनेशिया, और इंडिया को और कौन सपोर्ट करेगा? जो फ्यूचर प्रेसिडेंट होगा जो कि ब्राजील है। अब इंडिया के बाद जो प्रेसिडेंसी है इस समिट में ब्राजील को सौंपी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से G20 का ये फॉर्मेशन और इसका जो कामकाज का थोड़ा बहुत ब्यौरा है वो मैंने आपको दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस समिट कहां कहां हुई और उनमें क्या क्या हुआ। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो पहली समिट का ऐलान हुआ था वो वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में जो समिट हुई थी वो 2008 में हुई थी और वो पहली समिट थी, और उसमें वही इकोनॉमिक जो भी हमारे एजेंडाज थे, इकोनॉमिक इश्यूज थे, उन्हीं पे बात हुई। जो हमारी सेकेंड समिट हुई थी वो हुई थी 2009 में, वो हुई थी लंदन में, यूके में। जो हमारी थर्ड समिट हुई थी G20 की वो हुई थी 2009 में, और वो हुई थी पिट्सबर्ग पेंसिल्वानिया यूएस में। यहां ये बात ध्यान देने वाली है कि 2009 में दो बार समिट हुई G20 की। उसी तरह जो चौथी समिट हुई थी वो 2010 में टोरंटो में हुई। जो पांचवी समिट हुई वो 2010 में सियोल में हुई। यहां फिर ये बात ध्यान देने वाली है कि 2010 में दो बार समिट हुई। उसके बाद छठी समिट जो हुई वो 2011 में हुई, और वो कैंस में हुई, फ्रांस में। सातवीं समिट जो हुई वो 2012 में हुई, वो लॉस कैबोस मेक्सिको में हुई। आठवीं समिट जो हुई वो 2013 में हुई, वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुई। नवीं समिट जो हुई वो 2014 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुई। दसवीं समिट जो हुई वो अंटालिया टर्की में हुई। ग्यारहवीं समिट जो हुई वो 2016 में हैंगझाउ चाइना में हुई। बारहवीं समिट जो हुई वो 2017 में हैम्बर्ग जर्मनी में हुई। थर्टीन समिट जो हुई वो 2018 में बुएनोस आयर्स अर्जेंटीना में हुई। फोर्टीन समिट जो हुई वो 2019 में ओसाका जापान में हुई। 15 समिट जो हुई वो सऊदी अरेबिया में हुई। अब ये कहना कितना सही है कि रियाद में हुई या जद्दा में हुई या वहां उसके किस शहर में हुई, क्योंकि ये पहली ऐसी समिट थी जो कि वर्चुअली हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा उस समय कोरोना का पेंडेमिक का टाइम चल रहा था। तो ये पहली समिट थी G20 की जो वर्चुअली हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से या उनके कहने पर यह मीटिंग कन्वीन की गई थी। 16वीं समिट 2021 रोम इटली में हुई। 17वीं समिट 2022 बाली इंडोनेशिया में हुई, और जो ये दिल्ली में होने जा रही है दोस्तों, 18वीं समिट है, और ये 2023 में होने जा रही है। इसकी डेट्स हैं September 9-10। वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इंडिया को प्रेसिडेंसी तो मिल गई, और इंडिया ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी, और बहुत जोर शोर से शुरू कर दी तैयारी। अब मैं आपको यहां यह बताना चाह रहा हूं कि इस समिट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये G20 है तो इसमें 19 जो कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करती होंगी, एंड ऑफकोर्स EU जो है वो तो पार्टिसिपेट करता ही होगा, जो कि अगेन यूरोप की 27 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इन सब के पार्टिसिपेशन के साथ साथ इसमें कुछ परमानेंट इन्वाइटीज भी होते हैं। वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी इन मीटिंग्स में परमानेंटली इन्वाइट किया जाता है। यानी कि जो 2008 में पहली मीटिंग हुई थी और जो 2022 में 17वीं मीटिंग हुई, इन सब मीटिंग्स में जो वर्ल्ड के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको भी पार्टिसिपेट करने का न्योता इन्विटेशन दिया जाता है।
अब मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं। दोस्तों जिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जाता है उसमें यूएनओ है, उसमें आईएमएफ है, उसमें वर्ल्ड बैंक है, उसमें डब्ल्यूएचओ है, उसमें डब्ल्यूटीओ है, उसमें आईएलओ है, उसमें एफएसबी है, उसमें ओईसीडी है। दोस्तों इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी जो होस्ट कंट्री है वो इन्वाइट करती है या कर सकती है। हमारे दिल्ली में जो समिट होने जा रही है उनमें जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिनको इन्वाइट किया जा रहा है उसमें अफ्रीकन यूनियन है एयू, उसमें एयूडीए है, उसमें निपैड है, उसमें आसियान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे। इसके अलावा जो होस्ट कंट्री है वो अपने मित्र राष्ट्रों को या जिनको चाहे, जहां उनके संबंध अच्छे हैं, जिनको बुलाना चाह रहे हैं, जिनसे संबंध अच्छे होने वाले हैं या जिनसे संबंध अच्छा करना चाह रहे हैं, उनको भी जो होस्ट कंट्री है वो बाकी G20 मेंबर्स के कंसल्टेशन से बुला सकती है। तो इंडिया में जो समिट होने जा रही है उसमें इंडिया ने 9 ऐसे देशों को बुलाया है जो G20 के मेंबर अभी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में वो बन जाए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बड़ा जोर है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको इसमें शामिल किया जाए। जैसे EU इसमें शामिल है वैसे अफ्रीकन यूनियन को मोदी जी शामिल कराना चाह रहे हैं, इस पर चर्चा चल रही है और शायद इस मीटिंग में डिसाइड हो जाए कि उनको शामिल करना है, कब करना है या नहीं करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस मीटिंग में वो डिसाइड हो जाएगा। अब जिन देशों को इंडिया ने दिल्ली समिट में बुलाया है उन देशों के नाम आपको बता दे रहा हूं। इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया है, इजिप्ट को इनवाइट किया है, मॉरिशस को इनवाइट किया है, नीदरलैंड्स को इनवाइट किया है, नाइजीरिया को इनवाइट किया है, ओमान को इनवाइट किया है, सिंगापुर को इनवाइट किया है और स्पेन को इनवाइट किया है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट UAE जो कि इंडिया का फ्रेंड है उसको भी इनवाइट किया है। तो अब क्या होगा कि जो अपने G20 समिट होगी दिल्ली में इसमें कितने लोग होंगे, कितने देश होंगे? इसमें 19 देश तो वो हो गए जो ओरिजिनली जिन्होंने इसको फॉर्म किया था और उसके साथ साथ इसमें EU हो गया और EU के 27 देश जो है वो 27 देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उन 27 देशों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो EU के थ्रू होगा और इसके अलावा जो पार्टिसिपेट करेंगे वो ये 9 देश जो मैंने अभी आपको बताया इनको इंडिया ने बुलाया है इन कंसल्टेशन विद द अदर G20 मेंबर्स। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताया वो होंगे, इसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी चेयर जो है इसमें आएंगी। तो ये अच्छा खासा बड़ा फोरम होता है, इसमें ठीक ठाक बहुत अच्छा डेलीगेशन हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं इसमें ठीक ठाक तरीके से सॉलिड तरीके से डिस्कस हो जाती हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मेशन हुआ था ये इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर हुआ था, लेकिन बाद में जब ये हेड्स ऑफ स्टेट का लेवल इसका आ गया 2008 का तो इसमें विषय और जुड़ते चले गए। जैसे पहले खाली फाइनेंशियल इश्यूज की बात करते थे, उसके बाद इसमें बैंकिंग के दूसरे इश्यूज जुड़ गए, उसमें इसमें फाइनेंशियल टेररिज्म जुड़ गया, उसमें टैक्स अवॉइडेशन जुड़ गया, उसमें टैक्स टेररिज्म जुड़ गया, उसमें व्यापार की और बहुत सारी चीजें जुड़ गई, उसमें हेल्थ सेक्टर भी जुड़ गया, फिर इसमें सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन जुड़ गया, फिर इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर जुड़ गया, फिर इसमें वुमेन एम्पावरमेंट जुड़ गया। तो अब ये जो फाइनेंस से रिलेटेड जो ये अपना G20 बना था अब लगभग 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 हर इशू पे चर्चा करता है और हर इशू पे नीतियां बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, कैसे अपने मैनकाइंड को आगे ले जाना है, कैसे अपने विश्व की जनसंख्या को या विश्व की जनता को आगे ले जाना है, उस पर लगभग लगभग हर विषय पर डिस्कशन अब इसमें होने लगा है कि बना तो था फाइनेंस के लिए लेकिन नाउ ऑल द इश्यूज आर कवर्ड इन द मीटिंग। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि 9th और 10th सितंबर को ये मीटिंग प्रपोज है दिल्ली में, दिल्ली इसका वेन्यू है, तो ऐसा मत समझिएगा कि जो भी हो रहा है वो दिल्ली में ही हुआ और दिल्ली में होगा। ये जैसे ही इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिली इंडिया ने बहुत तेजी से इस पे काम करना शुरू कर दिया और इंडिया ने बहुत सारे शहरों में विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न शहरों में तमाम तरह के आयोजन किए जिसमें स्टूडेंट भी शामिल थे, डॉक्टर्स भी शामिल थे, मिनिस्टर्स भी जो बाहर से आते थे वो भी शामिल थे। करीब करीब 100 मीटिंग्स हुई हैं ये जो दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है इसके पहले, और इसमें बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स में बहुत सारे मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों इंडिया को जो G20 की प्रेजेंसी मिली है ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ही कि हमको इसमें कुछ कर दिखाना है, ये हमारे लिए जिम्मेदारी की भी बात है कि हम कितना अच्छा सोच पाए और कौन सा एजेंडा सेट कर रहे हैं जिससे कि दुनिया में हमारी वाहवाही हो, हमारी सराहना हो। इस संबंध में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 16 नवंबर को एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने पूरा इसका थीम, इसकी भावना, किस तरह से हम काम करेंगे ये उन्होंने बता दिया था, ये आप पीछे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमारा एजेंडा इंक्लूसिव होगा, एम्बिशियस होगा, डिसाइसिव होगा और एक्शन ओरिएंटेड होगा। हमारा थीम होगा वन अर्थ
वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये हम लोग हमेशा ये बात करते हैं, मतलब सरकार के लेवल पे आए, इंडिया के लेवल पे आए, तो हमेशा ये बात होती है कि हम पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। और इसका जो बेस है, इसका मूल मंत्र है, वो है दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम, जो कि महाउपनिषद से लिया गया एक फ्रेज है। तो सारा थीम जो है G20 का वो इसी पे बेस है। इसमें कोई शक नहीं, जो पहले समिट्स हो चुकी है उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई, बहुत सारे विषयों पे एक्शन लिया गया, बहुत सारे विषयों पे राय दी गई, ली गई और उन पे काम हुआ। बस उसी अच्छे काम के कंटिन्यूएशन में हमें भी ये करना है कि हमारे भारत की भी ये जिम्मेदारी है कि समिट में ऐसे प्रस्ताव और निर्णय हों जिससे भारत की भूमिका की पूरे विश्व में सराहना हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस समिट को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया है और मजबूत संकल्प लिया है, और वो तो बहुत उत्साहित है, इसके लिए इंतजारी कर रहे हैं कब ये मीटिंग शुरू हो और कब अपनी हम जो भी हमारा एजेंडा है उसको हम G20 मेंबर्स के सामने रखें। पूरे मन से G20 की 18वीं समिट जो दिल्ली में होने जा रही है इंडिया में, उसका लोगो डिजाइन किया गया है, और मोदी जी ने बहुत बड़े मन से स्वयं उसका लोकार्पण जनता के सामने किया। जनता इंडिया की ही नहीं, पूरे विश्व की जनता, उन्होंने पूरे विश्व को एड्रेस किया कि हम जो भी करेंगे पूरी मानवता के लिए करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व समुदाय के सभी परिवारजन, कुछ दिनों बाद 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगों को लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय पुष्प कमल, आप जानते हैं कि लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, उसी के थीम पर इसका लोगो डिजाइन किया गया है। और इसका लोगो डिजाइन किया है मशहूर आर्टिस्ट, महान आर्टिस्ट श्री सुदर्शन पटनायक जी ने। आपको पता ही होगा कि पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। द लोटस, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, represents our history and culture and symbolizes spirituality, fruitfulness, wealth and knowledge. And that's the inspiration for India's G20 logo design. The design rendered in saffron, white, green and blue is drawn from the national flag of India. The 7 petals in the logo signify the 7 seas and the coming together of 7 continents at G20 India 2023. Sitting above the lotus is a representation of the Earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiva Kutumbakam. दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलते ही सारे क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में काम शुरू हो गया, इन ऑल फील्ड्स। कहीं छात्रों को इन्वॉल्व किया गया, कहीं डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया, कहीं मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व किया गया, कहीं ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया गया, बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया गया, और इंडिया के बहुत सारे शहरों में इनकी मीटिंग्स हुई, इनके प्रोग्राम्स हुए और इवेंट्स हुए। लेकिन कभी आपने सोचा ये करता कौन है? प्रधानमंत्री जी तो कर नहीं पाएंगे, उनको तो देश चलाना है, तो उनके बिहाफ पे किसी को करना होगा ना। तो इसके लिए क्या है, एक शेरपा को अपॉइंट किया जाता है जो प्रधानमंत्री के बिहाफ पे सारे काम को देखता है। दोस्तों, शेरपा तो वैसे एक नेपाली शब्द है, यहां इसका अर्थ है अ सिविल सर्वेंट और अ डिप्लोमेट हु अंडरटेक्स प्रिपरेटरी वर्क प्रायर टू अ समिट कॉन्फ्रेंस। यहां अपने केस में शेरपा जो अपॉइंट हुए हैं वो अमिताभ कांत जी है, प्रधानमंत्री के बिहाफ पे वही सारा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वही सारे काम देख रहे हैं, वही सारा मैनेज कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, जो भी होगा वो उन्हीं के अंडर में होगा, प्रधानमंत्री जी के लिए वही काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि उन्हीं के निर्देशन में कई कई शेरपा मीटिंग्स हो चुकी हैं, मतलब उनकी खुद की मीटिंग जो उन्होंने ली होंगी वो 5-6 मीटिंग्स ली होंगी, कि वो मंत्रियों के साथ बैठे होंगे। अब उसमें मंत्री कौन कौन से हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, लेबर मिनिस्टर हो गए, कल्चरल मिनिस्टर हो गए, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो गए, बहुत सारे मिनिस्टर जितने भी, मैंने बताया आपको कि अब वो फाइनेंस के टॉपिक से हट के जो बात है वो पूरे पूरे समग्र विकास के लिए हो गई है। तो
तो सारे मिनिस्टर, सारे तरह के ऑफिसर, और ये सारे देशों में, सारे देश मतलब वो जो G20 में शामिल हैं। तो ये अमिताभ कांत जी हैं जो शेरपा नियुक्त हुए हैं इस G20 समिट के लिए जो इंडिया में हो रही है, उनके निर्देशन में, उनकी लीडरशिप में ये काम हो रहा है और वो एक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बिहाफ पे। दोस्तों काफी कुछ आपको बता दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये जो जी समिट की मीटिंग पहली बार इंडिया में होने जा रही है दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर करे कि ये मीटिंग सफल हो और इंडिया का नाम हो, अपने देश का नाम हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा हौसला बहुत बढ़ेगा। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, ये मेरा पहला प्रयास है, देखते हैं आप सबका आशीर्वाद होगा तो और आगे ऐसे रोचक वीडियोज मैं आपके लिए डालता रहूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।